हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट कुकिंग चैनल प्रेटी किचन। मैं हूँ आपकी होस्ट मनीषा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगी, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको डेढ़ बड़ा चम्मच ऑयल लेना होगा। उसको हीट करने के बाद इसमें जीरा राई तड़कने दे दीजिए। इसके बाद हाफली कट दो मीडियम प्याज आपको ऐसे ही कट करके डालने हैं। प्याज की क्वांटिटी मैं थोड़ा ज़्यादा रख रही हूँ और मिर्ची भी ज़्यादा रख रही हूँ। मिर्ची है, ये हरी मिर्च है, इसको ऐसे ही कट करके चार पांच मिर्च मैंने यूज़ की है। अब प्याज जो है दो मीडियम है, इनको अच्छे से हमें भूनना है इनकी क्वांटिटी आधी होने तक, ताकि ये स्वीट हो जाए। जैसे ये प्याज है, प्याज की स्वीटनेस इसमें आ जाएगी। इसके बाद हमें डालना है एक चम्मच हरा कटा धनिया। इसके बाद डालना है लहसुन अदरक की एक चम्मच पेस्ट। इसको एक मिनट तक आपको अच्छे से भून लेना है ताकि कच्चापन निकल जाए। ये वाल फल्ली इन दिनों में, जैसे ठंड के दिनों में, बहुत अच्छे से ताज़ी ताज़ी मिल जाती है। तो ये सबसे बेस्ट टेस्टी सब्जी बनाने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ और सबसे अच्छे से ये पकने वाली सब्जी है। इसी मेथड से आप बनाएंगे तो आपकी सब्जी भी बहुत जल्दी पक भी जाएगी और टेस्टी भी बनेगी। तो इसमें मैंने हल्दी ज़्यादा डाली है और रेड चिल्ली पाउडर थोड़ा कम डाला है। इसके बाद डाला मैंने नमक, और इसमें मैं जो मसाला यूज़ कर रही हूँ वो है गोड़ा मसाला, केपर का घरगुती गोड़ा मसाला। इसके अलावा आप जो घर में रेगुलर मसाला यूज़ करते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये मसाला मैं आधा जो टेबलस्पून है, आधा टेबलस्पून मैं यूज़ कर रही हूँ। ये आप पैक देख सकते हैं, ये मैंने मसाला डाल दिया गोड़ा मसाला। इसको अच्छे से आधा मिनट तक अच्छे से कुक होने देना है। इसके बाद ये जो फली है, वाल की फली जो मैंने अच्छे से तोड़ के पानी में भिगोकर रख दी थी 15 मिनट, पानी में भिगोने से ये थोड़ी सी और क्रंची हो जाती है और ये फ्रेश हो जाती है। अगर आप ड्राई डालेंगे, जस्ट तोड़ ली और धो ली और डाल दी, तो उसकी टेस्ट इतनी अच्छी नहीं आती है और ये पकने में भी बहुत जल्दी पक जाती है, ज़्यादा समय नहीं लेती। तो इसके लिए और एक ट्रिक है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, आधा ग्लास से थोड़ा सा कम पानी में इसमें डालूँगी और पूरा पानी उड़ने तक इसको हमें पकाना है। देखिए, ये मैंने पानी डाल दिया है और हमें इसमें पानी बिल्कुल नहीं रखना है। ये पानी पूरा उड़ जाने तक इसको ढककर हमें पकाना है और लास्टली चेक करना है पूरा पानी, इसको बिल्कुल भी पानी नहीं रखना है। ये मैंने अभी ढक्कन रख दिया है। देखिए कितना पानी रिड्यूस हो चुका है, काफ़ी पानी उड़ चुका है इसमें से। और ये जो बचा हुआ पानी है ये भी नहीं रखना है, इसको भी आप कलछी ऐसे ही घुमाते हुए उसको उड़ने दें। ये है चम्मच, एक चम्मच बेसन है, और बेसन का क्या काम है मैं बताती हूँ। सबसे बेस्ट टेस्ट इसमें आएगी, सबसे बड़ा मसाला है ये बेसन, क्योंकि पूरा जब ऑयल ये छोड़ने लग जाती है सब्जी तो ऑयली ऑयली लगती है। और इसमें क्या करना है, बस ये बेसन बुरक देना है सब्जी के ऊपर, सब्जी के ऊपर जो पानी उड़ जाने के बाद जो ऑयल निकलता है। तो और एक मिनट तक आपको बस कलछी से अच्छे से घुमाते हुए एक मिनट तक और ढक्कन रख के पकानी है। देखिए कितनी टेस्टी और ड्राई हो चुकी है ये सब्जी। और मैंने अभी इसमें मैं बेसन डाल दूँगी, बुरक के डाल दूँगी। सॉरी ये वीडियो में कैच नहीं हो पाया, लेकिन देखिए कितनी सब्जी कितनी टेस्टी बन चुकी है। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, आप भी बनाइए घर पे। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू अगेन इन नेक्स्ट रेसिपी।